नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के जिला जो कंट्रोल रूम है उसके प्रभारी डॉक्टर भूदीप सिंह। आइए जानते हैं कि मथुरा में इस वक्त अगर कोरोना के जो आंकड़े हैं उनकी क्या स्थिति है। मथुरा डॉक्टर साहब, पहले तो कोरोना की क्या स्थिति है आज की तारीख? देखिए, आज जनपद मथुरा में हमारा कोविड का कोई भी केस एक्टिव नहीं है, आज जीरो स्थिति है। और ये काफ़ी दिन बाद जनपद मथुरा में द्वितीय लहर के बाद जीरो केसेस की संख्या देखने को मिली है। अगर ये देखा जाए तो मार्च के जो नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में मथुरा कोरोना फ्री हुआ था, जीरो केस थे, और आज फिर चार महीने बाद ये स्थिति देखने को। जी बिल्कुल, आज बिल्कुल नवंबर के बाद फिर दोबारा से जीरो स्थिति देखने को मिली है। और लगातार हमारे द्वारा कोरोना की सैंपल की लगातार टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन केसेज जो है वो जीरो आ रहे हैं लगातार। अगर हम रोजाना की बात करें तो कितने सैंपल रोजाना आप कर रहे हैं? लगभग 2000 से अधिक सैंपल हम पर डे कर रहे हैं, जिसमें हमारे RT-PCR और एंटीजन दोनों टेस्ट शामिल हैं। और अब तक पूरे जो 2-2.5 साल के भीतर कितने सैंपल हो चुके हैं मथुरा? देखिए, जब से हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक हम लगभग 14 लाख से अधिक हम जो है कोविड टेस्ट कर चुके हैं, जिनमें से कि लगभग 13.5 लाख के करीब जो है नेगेटिव रिपोर्टें आई हैं उनमें से, और लगभग 25,000 से अधिक जो उसमें पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिनमें से कि हमारे जो कोई पॉजिटिव आए हैं उनमें से आज कोई भी केस हमारा एक्टिव नहीं है। और जिसमें से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव की बात करें तो हमारी टोटल 406 डेथ हुई हैं अभी तक, जिसमें से कि फर्स्ट फेज में हमारे 100 से अधिक थी, द्वितीय फेज में हमारे 300 से अधिक थी, और जो तृतीय फेज है उसमें हमारे केवल 6 पेशेंट जो है हमारे डेथ हुई थी। बाकी का सबसे कम डेथ हमारी तृतीय फेज में हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहा वो सेकंड फेज रहा, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जाने गई, ज़्यादा एक्टिव केस हुए और उसकी चपेट में लोग आए। हाँ, उस जो हमारी सेकंड फेज है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल थी। उसमें जो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे, जो वेरिएंट था कोविड का वो बहुत घातक था उस समय, क्योंकि उस समय हमारे जनपद में ऑक्सीजन को लेकर और बेड की व्यवस्था को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिस प्रकार से हमारे केसेस निकले थे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अगर चौथे जो फेज़ की चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर आती है तो उसको लेकर आपका विभाग अब किस तरह की तैयारी में? जैसे आप बता रहे कि सेकंड फेज में तो ऑक्सीजन की हमारे पास उपलब्धता नहीं रही और उसमें बहुत लोगों की जाने गई। देखिए, उसमें इस समय हमारे जनपद मथुरा में ऑक्सीजन के लिए सभी जगह हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, जिला अस्पताल में है, महिला में है, वृंदावन में है, और हमारी कई CSC हैं जहाँ पे हमारे की ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो लगकर तैयार हैं। बेडों की व्यवस्था भी हमने कर ली है, पीकू वार्ड भी बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए फिर दोबारा से कोई लहर आती है उसको लेकर हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं, लगातार कोविड की सैंपलिंग करा रहे हैं और फिर हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। और जो नया वेरिएंट आया है जिसका मुंबई में ये केस भी मिला है, वो वेरिएंट कैसा आया है, उसका कैसा प्रभाव है और किस तरह से उसको लेकर एहतियात हैं मथुरा में बताया जा रहा है? देखिए, हम लोग 3 फेज बिल्कुल अच्छी तरह से पार कर चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी है कि 3 फेज में हमने कैसे कोविड से लड़ा है। इसी प्रकार जो 4th वेरिएंट है हमारा, जो अगर आता है उसकी, चूँकि अभी ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, अगर वो आता है तो उसके हिसाब से जो स्टडी डाटा होंगे उसके अनुसार हमारी प्लानिंग कर ली गई है। और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कोविड को लेकर सारे जो है इंतजाम किए गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अब सभी जगह PHC पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। और जो बाहर से लोग आते हैं मथुरा में, जो अन्य प्रांतों से, खासकर ऐसी जगह जैसे मुंबई में नया वेरिएंट मिला है, तो वहाँ के आने वाले लोगों को लेकर क्या सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, मथुरा हमारा एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर बाहर से काफ़ी लोग संख्या में आते हैं, स्पेशली वृंदावन है हमारा, वृंदावन वहाँ पर हमारी लगातार टीम वृंदावन में रैंडम सैंपलिंग कर रही है। उसके बारे में और बताएं, जो 12 से 14 साल के लिए है तो किस तरह से उनका टीकाकरण किया जा रहा है और जो लोग नहीं कर पा पाए उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन है कोविड का, वो लगातार पिछले साल से चला आ रहा है, और अभी तक हम 15 साल तक के बच्चों को लगा रहे थे, सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब 12 साल से अधिक के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जगह जगह सेशन लगाए जा रहे हैं और जो स्कूल हैं उन सभी स्कूलों को चिन्हित करके स्कूलों में भी हमारे द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। पहली डोज जो है 12 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है? हाँ, 12 साल के बच्चों के लिए पहली डोज उपलब्ध है। उनको डोज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़? फॉर्मेलिटी वही, एक अपना मोबाइल नंबर, एक कोई भी ID लेकर आएँ, और उसकी सेकंड डोज 28 दिन बाद उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो सेकंड डोज भी लेंगे। 28 दिन बाद दूसरी भी डोज लगेगी जी। तो देखा, ये बच्चों के लिए भी जो एक सावधानी के लिए ये है कि वो भी कोरोना की डोज लगवाएं, और उसके लिए स्कूलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं। यदि आपके घर में कोई 12 साल तक का बच्चा है और उसे कोरोना की डोज नहीं लगी है तो आप तुरंत उसको कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं सब आप लोगों की जो जागरूकता और सावधानी, उनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हमारा मथुरा जनपद
कोरोना मुक्त हो गया है, आज एक भी केस नहीं है। लेकिन ये कोरोना मुक्त जो हुआ है, जीरो पे पहुंची है, इसको लगातार बरकरार बनाए रखना है जिससे कि नया कोई केस नहीं आए। इसलिए हमको और आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।